All right, guys, welcome to the top 5 of this week. And let me tell you something honestly. पहले बात होती थी कि हम सच ढूंढ के निकालते हैं. आजकल तो लोग बिल्कुल बेसिक पे आ गए. वो तो बस चाहते हैं कि हमको न्यूज ही बता दो, न्यूज चैनल वालों. दलाल जो भी सोर्स एक ऑथेंटिक बात करता है उसको लोग आजकल सच में फॉलो करने लगे, क्योंकि वो कम से कम बात तो कर रहा है कुछ और. न्यूज में तो कुछ और ही चलता रहता है. अब वही चीजें लेकर आते हैं जो गोदी मीडिया नहीं चलाता है. लाइक दिस प्लीज प्रेस सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. तो करना. एंड बिफोर एनीथिंग एल्स आई जस्ट वांट टू वेव मोदी जी. हेलो, वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर. And most of the people are asking me कि मोदी जी किसको वेव कर रहे हैं. वो मुझे वेव कर रहे थे. और अगर चलो मैं भी नहीं था वहां पे तो मछलियों को वेव नहीं कर सकते क्या? He's just saying hi to fishes. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Well, yeah, that was a photo shoot video. It was going viral this week, but that's not important. The important thing is कि yes, re-exam हो रहा है. Now the re-exam will happen, but during this entire time, how our media was reacting? You won't believe. Some people are saying कि ये students पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, अच्छे number ला नहीं पाते, अच्छा exam जाता नहीं है, इसलिए re-exam का बहाना देके फिर से बैठना चाहते, जो कि बहुत गलत था. This video went viral, जहाँ पर literally गोदी मीडिया वालों को धक्के देके निकाला गया. ये तो मीडिया की रह गई है. Because their reporting is always biased. She was reporting और student पूछ रहे थे, मैडम ये आपको बिकाऊ मीडिया क्यों कहते हैं? मैम आपकी मीडिया से क्वेश्चन, आपको बिकाऊ मीडिया क्यों कहते हैं? हमेशा ये लोग. That was little harsh. पूरे साल एग्जाम की तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद पेपर लीक हो जाता है, जिससे और लोगों को थोड़ा समझना चाहिए. ये फील्ड में जाके रिपोर्टिंग तो कर रहे हैं कम से कम. जो प्राइम टाइम पर एंकर बैठे होते हैं ना, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो बात नहीं करते, डिसीजन मेकर वही होते हैं. ये तो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे थे यार. और इन दो फुद्दुओं को देखो, ये जस्टिफाइड कर रहे थे कि क्या हुआ है कि बहुत सारे सेट थे. सुनो इसको, सुनो. 2-12 का पेपर दिया, 3-5 में कोई आपका दोस्त है तो आप उसको फोन करके बताएंगे ना कि यार मेरा एग्जाम हुआ, देखिए ये क्वेश्चन आए, तू ये कर लेना, हो सकता है इसी के आसपास हो पेपर. अगली जो सुबह होगा यानी 18 की सुबह जो पेपर होगा, वो ऑब्वियसली इवनिंग वाला बताएगा यार मेरा तो अलग आया था, देख मॉर्निंग वाला भी अलग आया था, तो इनके आसपास ही होगा पेपर. तो देखिए शरारती तत्व कुछ भी कर सकते हैं. अच्छा, द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, यू शुड चेक आउट द कमेंट सेक्शन ऑफ दीस टू. एंड पीपल आर लाइक, अच्छा कॉमेडी शो है. ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे थे कि री एग्जाम करवा दो यार, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीच में दोनों कंफ्यूज साउंड कर रहे थे. लोगों ने ये भी लिखा कि तुम दोनों कभी गवर्नमेंट एग्जाम दिए नहीं. ऐसा भी है क्या? ऐसा भी है क्या कि जैसे मान लीजिए पहली पाली में कोई पर्चा दिया गया, अफवाह उड़ा दी गई, पर्चा लीक हो गया, तो सब लोग तो बाकी की पालियों में. बट द सैड पार्ट ऑफ दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन, इन लोगों दोनों को कुछ नहीं आता, पर उन्होंने खुल के कभी नहीं बोला कि री एग्जाम होना चाहिए, जो कि हो रहे हैं और सीएम ने खुद आदेश दिया है. बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स यार, और हमारे देश में इतने सारे पेपर लीक क्यों होते हैं आखिर? क्यों अगर एग्जाम दोबारा होगा, ठीक है, कैसे कह सकते हैं पेपर दोबारा लीक नहीं होगा? एंड वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट बिकॉज इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक के मामले सामने आए. एग्जाम के पेपर को बनने से लेकर स्टूडेंट्स तक एग्जामिनेशन में पहुंचने तक बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक पूरा चेन सिस्टम होता है. कई बार इन चेन सिस्टम्स में लूप होल्स हो जाते हैं, लोग बेईमान हो जाते हैं. बहुत सारे लोगों ने एग्जामिनेशन पेपर लीक होने की सबसे बड़ी वजह प्रिंटिंग प्रेस को बताया है. इसके लिए लोकायुक्त ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि गवर्नमेंट ओन्ड प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर की छपाई होनी चाहिए. अगर पेपर लीक हो जाता है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए. अगर पेपर लीक होता है तो एक प्रॉपर ट्रेसिंग सिस्टम हो, ताकि जिसकी गलती हो उसे पकड़ा जा सके. थोड़े दिनों पहले उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुआ, एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया, बाद में पता चला कि प्रिंटिंग प्रेस के एक कर्मचारी ने पेपर लीक कर दिया था. उसके लिए उसे 36 लाख रुपए मिले. सो जस्ट एन आइडिया, परीक्षा पे चर्चा तो होती है, उस परीक्षा पे चर्चा में पेपर लीक पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं यार. ये देखो ना, देख के दुख होता है, देश संकट में है. एंड नाउ जस्ट लिसन टू दिस डिबेट ऑफ आवर नविका. जो आदमी भी 5 साल जमीन पर उतर के मेहनत करने को तैयार हो,
वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है, ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है। She wanted an answer कि जो वो चाहती है वो आंसर मिल जाए। ये गलत बात इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये गलत बात है कि कोई ये कह रहा है कि इनको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। देश में 10 साल 15 साल कई लोगों ने राज किया है पर वो आंसर मिला नहीं। 4000 में 2500 से 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे, आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो 1600-1700 विधायक होते हैं, और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा। फिर यहाँ पे स्पेशली एट दैट पॉइंट नविका ताने वाने मारने लगी। भाई साहब कृष्ण जी तो नहीं उतर के आएंगे ना, इन्हीं में से चुनना पड़ेगा अभी तो प्रेजेंट। ठीक बात, यही ऑप्शन। ठीक बात है, एक डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, आप सामने वाले की बातें सुनते हो और वो आपको अपनी बातें बताता है। आज भी असंतुष्टों की संख्या ज्यादा है, अब उस असंतुष्ट या जो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, जो उनसे मेसमराइज नहीं है, उनको जो भी गैल्वेनाइज कर ले विथ राइट नैरेटिव, राइट फ्रेमवर्क, वो मोदी जी को चुनौती दे सकता है। मिस्टर प्रशांत किशोर इज एक्चुअली अ रियली रियली इंपॉर्टेंट पर्सन एज फार एज इंडियन पॉलिटिक्स इज कंसर्न, पर वो सुनने को ही तैयार नहीं। वो तो कह रही है बस आप ये बोल दो कि मोदी जी जीत रहे, जवाब मिल नहीं रहा था, गुस्सा आने लगा, आवाज ऊंची हो गई। उसका जवाब दिया या नहीं दिया नहीं, पहले तो ये बता दीजिए। आपने नहीं दिया के बाद बहुत ही काम वे में मिस्टर प्रशांत किशोर ने आंसर दिया। अब आप बताइए, आपने ये कहा कि कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा, मैं उस पर उल्टा कह रहा हूँ कि किसी को ऊपर से आने की जरूरत नहीं है, इस देश में इतने लोग काबिल लोग हैं। Also, आजकल आज तक वालों को क्या हो गया यार, आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड एंड शायद इनका जमीर जाग गया है। फर्स्ट तिहाड़ी स्पोक अबाउट द पेपर लीक, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक के भी आरोप लग रहे हैं। देन दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट बिहार में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब रुख बिहार का, जहां नौकरी मांगी तो चली लाठियां, ग्राम रक्षक दल ने स्थायी नौकरी की मांग को लेकर पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। यही नहीं, और सुनिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी कवर कर रहा है आज तक, कि पैसे वैसे नहीं चाहिए लोगों। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलीगढ़ से गुजरते हुए अपने 43वें दिन आज क्लाइमैक्स मोड पर नजर आएगी, क्योंकि अभी आपको प्रियंका गांधी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज तक कल तक नहीं रहेगा। समाज का जिगर भाई। बट समवन सेड इट सो राइट, सी एवरी इवेंट आवर प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग, यू नो, लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि प्रधानमंत्री जी यहां गए। न्यूज चैनल्स पर क्या होता है, पहले उस पूरे इवेंट का लाइव टेलीकास्ट होता है, उसके बाद पॉइंटर्स बताए जाते हैं कि क्या क्या किया गया, और फिर रात के प्राइम टाइम शो में उसी को डिस्कस किया जाता है। थोड़ी बहुत तो इधर उधर की बातें करनी चाहिए, अब वेनम से मिलो, बहुत दिन हो गए थे। सी अगेन आई एम टेलिंग यू, वी आर नॉट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल लीडर्स जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मर जाएंगे, यहाँ गठबंधन नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, बड़ी बात है, ऐसी बातें क्यों बोलते हो कि अब आपको गठबंधन करना ही होता है तो। मिस्टर केजरीवाल ये चल रहा है, पर उस पर ये वेनम चोपड़ा आता है और ट्वीट लिखता है, बच्चों की कसम ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से। इन्होंने कहा था मैं नहीं करूंगा पर ये कर रहे हैं। पर मेरे प्यारे वेनम, इतना बढ़िया जहर उगला है, थोड़ा उधर भी अपना फन घुमा ले और देख कि वहां किन किन लोगों ने गठबंधन कर लिया है। एनसीपीशी राष्ट्रवादी कांग्रेसी युति होना शक्यच नहीं, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मतलब सब पार्टी छोड़ छोड़ के अपनी पार्टी तोड़ तोड़ के ज्वाइन कर रहे हैं, वहां तो कुछ नहीं बोलता। सो दिस इज ऑल गोइंग ऑन, अगेन आई एम टेलिंग यू, हम किसी पार्टी बूढ़ी के साइड नहीं है। अगर मीडिया अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा तो देश का भला होगा, देश के लोगों का भला होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।